नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं वर्तिका आपके साथ। बुलेटिन से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। करंट की चपेट में आने से 14 वर्षीय बालक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। चोर ने बाइक की पार, सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद। बजरी परिवहन करते दो डंपर जब्त, अब तक नहीं हुई कोई भी FIR दर्ज। अब खबरें विस्तार से। भीलवाड़ा में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चोर लुटेरे सड़कों पर उतरकर हर दिन नई वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी सर्दी को देखते हुए पस्त हो रही है। शहर के राजेंद्र मार्ग रोड स्थित SBI बैंक के बाहर से चोरों ने बाइक चुरा ली। कपड़ा व्यापारी ने बताया कि वह सोमवार दोपहर पैसे जमा कराने राजेंद्र मार्ग रोड स्थित SBI बैंक पहुंचा और बाइक को वहीं खड़ी कर दी। उसके कुछ देर बाद जब व्यापारी बैंक के बाहर आया तो बाइक गायब मिली। इस पर पीड़ित ने बैंक के पास स्थित अन्य बिल्डिंग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो उसमें एक संगीत बदमाश घूमते हुए कैमरे में कैद हो गया। संगीत ने पैदल ही 5-6 चक्कर लगाकर गाड़ी की रेकी की। इसके बाद मौका मिलते ही बाइक लेकर फरार हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेकर नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस और खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए भदेसर रेत माफियों के दो डंपर जब्त किए हैं, जिनमें भदेसर थाने में खड़ा कर दिया गया है। इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जब्त डंपरों पे पेनल्टी लगाने की जानकारी मिली है। डाबी कस्बे में 13 दिसंबर की मध्य रात्रि को जैन मंदिर में चोरी हुई थी, जिसमें चोरों द्वारा भगवान की अष्टधातु की दो मूर्तियां, 1 रुपए से भरी तिजोरी और अन्य सामान अज्ञात चोरों ने चुरा कर ले गए थे। जिस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल पहुंचकर स्थित का जायजा लिया था, जिनके साथ MOB और फॉरेंसिक लैब की टीम ने घटना स्थल से नमूने लेकर साक्ष्य जुटाए थे। वही उस वक्त घटना को आज 18 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। इस मामले को लेकर सकल जैन समुदाय के लोगों ने मंदिर में पूर्व हुई चोरी को लेकर जुलूस निकाला और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर चोरों को पकड़ने की मांग की है। रुद्रावल थाना क्षेत्र के गांव नगला गुसाई चक गुजर बलाई में तार टूटने से 14 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर रुद्रावल थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह और हेड कांस्टेबल विजयपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पूर्व सरपंच पूरन सिंह गुजर ने बताया कि गाँव नगला गुसाई में कुछ ग्रामीण अपने घर के बाहर अलाव ताप रहे थे, उसी समय विद्युत लाइन का तार टूट कर गिर गया, जिसमें 14 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई। खबर दोपहर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए VMR भारत TV। नमस्कार।